नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और झज्जर जिले से बड़ी खबर आ रही है। जिला प्रशासन ने निर्धारित किए आवश्यक खाद्य वस्तुओं के रेट। डीसी जितेंद्र कुमार बोले, खाद्य वस्तुओं की बिक्री निर्धारित रेट अनुसार ही सुनिश्चित होगी। खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से होगी नियमित मॉनिटरिंग। और झज्जर जिला मुख्यालय पर खाद्य सामग्री के रेट से संबंधित शिकायत के लिए 0-12-51-25-25-16 कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं झज्जर जिले में कोरोना महामारी के दौर में झज्जर प्रशासन ने किए एम्बुलेंस के किराए निर्धारित। एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर लगेगी रोक। निर्धारित तय दर से अधिक वसूली करने पर करें 1950 हेल्पलाइन पर शिकायत। झज्जर जिले की प्रमुख खबरों के साथ आप जुड़ चुके हैं समाचार कैरी के साथ, और आपको बताते हैं झज्जर जिले की प्रमुख खबरें। कोविड हॉस्पिटल व्यवस्थाओं के लिए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त। डीसी ने उक्त व्यवस्थाओं के लिए सीईओ जिला परिषद त्रिलोक चंद को बनाया नोडल अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी में झज्जर जिला के निजी हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, ऑक्सीजन आपूर्ति सहित अन्य स्वास्थ्य पहलुओं के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी जितेंद्र कुमार ने प्रशासनिक कमेटियों का गठन पुलिस टीम के साथ किया है। गठित टीमें प्रतिदिन उक्त व्यवस्थाओं के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी सीईओ जिला परिषद त्रिलोक चंद मोबाइल नंबर को रिपोर्ट देंगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन जितेंद्र कुमार की ओर से जारी आदेशों के तहत तमाम हॉस्पिटलों के लिए अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जो लगातार मॉनिटरिंग भी करेंगे। कोविड हेल्पलाइन समाधान के लिए कमेटी भी गठित की गई है। प्रदेश स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है, जिला स्तर पर कोविड से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन एसडीएम झज्जर शिखा किया गया है। एसडीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी में एडीए नवदीप और एडीओ सीएमओ कार्यालय सुनील नेगी व पीएनडीटी एक्ट प्रभारी डॉक्टर ममता को शामिल किया गया है। उक्त कमेटी प्रतिदिन कोविड हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करेंगी। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने के लिए ई पास जरूरी। जी हाँ दोस्तों, सरल हरियाणा पोर्टल पर करें आवेदन, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले जिलावासी। झज्जर जिला में कोरोना रोकथाम के तहत पूरे जिला में चल रहे लॉकडाउन में बिना ई पास के घर से बाहर निकलने वालों पर कार्यवाही की जाएगी, ऐसा कहना है झज्जर जिला प्रशासन का। आगामी 10 मई सुबह 5 बजे तक झज्जर जिले में लॉकडाउन लागू है, और जिला प्रशासन की ओर से जिलावासियों को केवल आवश्यक कार्य हेतु ही ई पास के साथ बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। लॉकडाउन में आम जनता को किसी तरीके की परेशानी ना हो, उसके लिए प्रशासन की ओर से मूवमेंट पास जारी किए जा रहे हैं, और उसी आधार पर आम जन अपनी आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। जिला प्रौद्योगिकी अधिकारी अमित बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन सेवा के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने पर कार्य की आवश्यकता अनुसार ही ई पास जारी किए जा रहे हैं। सरल हरियाणा .gov.in पर ई पास की व्यवस्था NIC की ओर से की गई है, जिसके माध्यम से आमजन अपनी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवागमन कर पाएंगे। ई पास के आवेदन करने हेतु सरल हरियाणा .gov.in पर लॉगिन करने उपरांत आवेदन करने के लिए COVID-19 मूवमेंट पास लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसके उपरांत ईमेल अथवा SMS के माध्यम से आवेदनकर्ता को ई पास उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदनकर्ता को आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। वाहन परमिशन के लिए भी सरल हरियाणा .gov.in पर ही आवेदन करना होगा।